आदित्य पुजारी अपने आसपास देखते हुए कहते हैं, अजय मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर उससे पहले हमें घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता हमारी बात कोई और भी सुने। रुद्र झट से कहता है, ठीक है पुजारी जी, मैं अभी घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके आता हूँ। समीर रुद्र का साथ देते हुए कहता है, मैं भी चलता हूँ। रुद्र और समीर घर के खिड़की दरवाजे बंद करने चले जाते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके आ जाते हैं। सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। आदित्य पुजारी हॉल के एकदम बीचों बीच बैठे हुए थे। सभी लोग उनकी बातें सुनने के लिए बेकरार थे। अजय बौखलाहट के साथ कहता है, अब बताइए पुजारी जी, आप इतने दिनों से कहां पर गायब थे? यदि आपको पता था कि छाया का अंत कैसे करना है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हमसे ये बात छुपा कर क्यों रखी? आदित्य पुजारी अजय की आंखों में देखकर सब समझ जाते हैं कि प्रोफेसर प्रताप नारायण ने अजय और माखनलाल को सब कुछ बता दिया है। आदित्य पुजारी अजय के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि अजय हमें यह तो ज्ञात था कि छाया का अंत कैसे करना है, किंतु यह ज्ञात नहीं था कि निशांत का अंत कैसे करना है। छाया का अंत करने से पहले निशांत का अंत करना अति आवश्यक है। छाया के पास भले ही शक्तियां नहीं है, परंतु निशांत के पास बहुत सारी काली शक्तियां हैं। निशांत के जीवित रहते हम छाया को कभी नहीं मार सकते। समीर झट से आदित्य पुजारी से पूछता है, तो फिर पुजारी जी आपको कुछ पता चला कि निशांत पुजारी का अंत कैसे करना है? आदित्य पुजारी समीर के सवाल का कुछ जवाब देते उससे पहले ही अनन्या बीच में बोल पड़ती है, निशांत पुजारी का अंत भला कैसे हो सकता है पुजारी जी? वो तो अमर है ना, क्या सच में कोई अमर हो सकता है? आदित्य पुजारी अनन्या के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ अनन्या, अमरता के वरदान को पाया जा सकता है। हमारे महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। अनन्या फिर बीच में बोल पड़ती है, चिरंजीवी मतलब पुजारी जी? जो व्यक्ति अमर होते हैं उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। राजा बाली, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, ये 7 अमर थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी अमर थे। और सिर्फ महाभारत में ही नहीं, हमारे वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, योग और आयुर्वेद में भी अमरत्व प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं। हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या याद थी, जिसके दम पर वो युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग से पूरी राम सेना मड़ासुनो हो गई, तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैद्यराज सुषेण को बुलाया और फिर सुषेण ने कहा कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां ले आएं, और जो ये 4 वनस्पतियां थीं वो मृत संजीवनी, विशाल्यकरणी, संधानकरणी, सवर्णरायकरणी, इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी सबसे महत्वपूर्ण है, इसी से मृत इंसान को जीवित किया जाता है। सभी लोग गौर से आदित्य पुजारी की बातें सुन रहे थे। आदित्य पुजारी आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, जितना कि हमें ज्ञात है अमर होने के 2 साधन हैं। पहला अमृत पीकर, दूसरा सोमवल्ली का पौधा खाकर। अर्जुन को सोचते हुए कहता है, पुजारी जी जितना मुझे पता है समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसे तो देवतागण पीकर अमर हो गए थे, तो अब इस दुनिया में अमृत जैसी कोई चीज ही नहीं बची है। हाँ अर्जुन तुमने सत्य कहा, इस दुनिया में अमृत भले ना बचा हो पर सोमवल्ली का पौधा जरूर बचा हुआ है। रुद्र हैरानी के साथ कहता है, ये सोमवल्ली का पौधा क्या होता है पुजारी जी? आदित्य पुजारी रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, प्राचीन ग्रंथों एवं वेदों में सोमवल्ली के महत्व एवं उपयोगिता का व्यापक उल्लेख मिलता है। अनादिकाल से देवी देवताओं एवं मुनियों को चिरायु बनाने और उन्हें बल प्रदान करने वाला पौधा है सोमवल्ली। कहा जाता है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। इस पौधे की खासियत यह होती है कि इसके पत्ते नहीं होते हैं। यह पौधा सिर्फ डंठल के आकार में लताओं के समान होता है। हरे डंठल वाले इस पौधे को सोमवल्ली लता भी कहा जाता है। सोम को स्वर्गीय लता का रस और आकाशीय चंद्रमा का रस भी माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार सोम की उत्पत्ति के 2 प्रमुख स्थान हैं। पहला स्वर्ग और दूसरा पार्थिव पर्वत। अर्जुन बीच में ही आदित्य पुजारी को टोकते हुए कहता है, मतलब पृथ्वी के कोई से पर्वत पर
निशांत पुजारी को सोमवली का पौधा मिला होगा, जिसे खाकर वो अमर हो गया। आदित्य पुजारी अर्जुन की बात से हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ अर्जुन तुमने ठीक कहा। मधु घबराते हुए कहती है, पर पुजारी जी यदि निशांत पुजारी अमर हो चुके हैं तो उनका अंत कैसे होगा? भला अमर व्यक्ति को भी कोई मार सकता है क्या? आदित्य पुजारी मधु को समझाते हुए कहते हैं, मधु इस संसार में समस्त वस्तु का अंत निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। मृत्यु अटल है, इसलिए धरती पर जन्म लेने वाली प्रत्येक वस्तु नश्वर है। जितना सच उसका जन्म लेना है, उससे भी बड़ा सच उसका एक दिन इस धरती को छोड़कर चले जाना है। तुम्हें पता है ईश्वर ने कभी किसी को अमरता का वरदान नहीं दिया। हाँ उनके मृत्यु के तरीकों को जरूर थोड़ा जटिल बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद अंत एक निश्चित प्रक्रिया है। आयशा अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, इसका मतलब ये है पुजारी जी कि निशांत पुजारी को भी मारा जा सकता है। आदित्य पुजारी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहते हैं, हाँ आयशा निशांत को भी मारा जा सकता है। रुद्र झट से पूछता है, कैसे पुजारी जी, निशांत पुजारी को कैसे मारा जा सकता है? आदित्य पुजारी रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, देवतागण सोमवल्ली के पौधे का रसपान करते थे, परंतु निशांत ने उस पौधे का रसपान नहीं किया है, बल्कि उस पौधे को अपने शरीर में स्थान दिया है। उसे साबुत निकला है। आदित्य पुजारी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही अर्जुन उन्हें बीच में टूटते हुए कहता है, पर क्यों पुजारी जी, निशांत पुजारी ने सोमवल्ली के पौधे का रसपान क्यों नहीं किया? उसे साबुत क्यों निकल गया? क्योंकि अर्जुन देवतागण सोमवल्ली के पौधे का रसपान करते थे। निशांत कोई भगवान नहीं था, वो भी एक इंसान ही था। अगर वो सोमवल्ली के पौधे का रसपान करता तो वो सोमवल्ली के रस की शक्तियों को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाता, इसलिए उसने सोमवल्ली के पौधे को अपने शरीर के अंदर स्थान दिया है। अगर हमें निशांत पुजारी को मारना है तो उसके शरीर में से सोमवल्ली पौधे को निकालना होगा। समीर कहता है, पर हम उसके शरीर में से सोमवल्ली पौधे को कैसे निकालेंगे? यह कार्य आप लोगों को नहीं बल्कि मुझे करना है। अर्जुन आदित्य पुजारी की आंखों में देखते हुए पूछता है, पर आप यह कार्य कैसे करेंगे पुजारी जी? आदित्य पुजारी अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, त्राटक विधि के द्वारा। तन्वी हैरानी के साथ कहती है, ये त्राटक विधि क्या होती है पुजारी जी? आदित्य पुजारी कहते हैं, त्राटक विधि के द्वारा हम अपनी आत्मा को अपने शरीर में से निकालकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं। इस विधि में दोनों नेत्रों के बीच स्थित त्रिकुटी को सक्रिय करना होता है। अर्जुन फिर आदित्य पुजारी से पूछता है, और त्रिकुटी को सक्रिय करने के लिए क्या करना पड़ता है पुजारी जी? त्रिकुटी को सक्रिय करने के लिए अमावस्या के दिन चंद्रमा जब पूर्णतः लाल हो जाता है तो उसके प्रकाश में दिखने वाली स्वयं की परछाई को एकटक देखना पड़ता है। तब त्रिकुटी सक्रिय होती है और हमारी आत्मा हमारे शरीर में से बाहर आ जाती है। जब मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलेगी तो मैं अपनी आत्मा को निशांत के शरीर में प्रवेश करवा दूंगा और उसके शरीर में से सोमवल्ली का पौधा ढूंढ निकालूंगा। अर्जुन पूछता है, ये सब करने के लिए आपके पास कितना वक्त होगा पुजारी जी? आदित्य पुजारी अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, लाल चंद्रमा के सफेद चंद्रमा होने तक का वक्त रहेगा हमारे पास। यदि इसके भीतर मैंने सोमवल्ली का पौधा निशांत के शरीर में से नहीं निकाला तो मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए निशांत के शरीर में ही रह जाएगी और मेरे शरीर का अंत होते ही मेरा भी अंत हो जाएगा। आदित्य पुजारी की बात सुनकर अचानक से कमरे में खामोशी छा जाती है। रुद्र कहता है, इसमें तो बहुत खतरा है पुजारी जी, इसमें तो आपकी जान भी जा सकती है। आदित्य पुजारी रुद्र को समझाते हुए कहते हैं, खतरा तो है रुद्र, पर किसी की जान लेने के लिए स्वयं की जान खतरे में डालनी ही पड़ेगी, है ना? ना सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि समीर और अनन्या को भी अपनी जान खतरे में डालनी पड़ेगी। रुद्र अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, समीर और अनन्या को भी? पर क्यों? क्योंकि निशांत के शरीर में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, उसके पास अनेक काली शक्तियां हैं, इसलिए सबसे पहले हमें उसकी काली शक्ति का अंत करना होगा। समीर आदित्य पुजारी की तरफ देखते हुए कहता है, और पुजारी जी उसकी काली शक्तियों का अंत कैसे होगा? जितना कि हमें हमारी काली शक्तियों से ज्ञात हुआ है उस हिसाब से निशांत ने छाया को पीपल के पेड़ के पास जिंदा किया था और 7 साल पहले छाया के अंत के लिए जो हमने पूजा की थी उसमें समस्त जंगल जल गया था, पर वो पीपल का पेड़ नहीं जला था। तो हो ना हो वही पीपल का पेड़ है जिससे निशांत की काली शक्तियां हैं। मेरी
आत्मा तभी निशांत के शरीर में प्रवेश कर पाएगी जब उसकी शक्तियां नष्ट होंगी। इसलिए पीपल के पेड़ को नष्ट होना अति आवश्यक है। अर्जुन कहता है, पुजारी जी ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, समीर और अनन्या ही क्यों? क्योंकि निशांत ने छाया को स्वाति का रूप दिया था और स्वाति कुंवारी लड़की थी, इसलिए कोई कुंवारा लड़का लड़की ही पीपल के पेड़ को नष्ट कर सकते हैं। अर्जुन तुम अभी कमजोर हो, इसलिए तुम उस पेड़ को नष्ट नहीं कर सकते हो। समीर कहता है, आप फिक्र मत कीजिए पुजारी जी, मैं अपनी जान पर भी खेलकर उस पीपल के पेड़ को नष्ट कर दूंगा। अनन्या भी समीर का साथ देते हुए कहती है, हाँ पुजारी जी, मैं और समीर उस पीपल के पेड़ को नष्ट कर देंगे। तन्वी कहती है, पुजारी जी निशांत पुजारी का अंत हो जाएगा, पर छाया के अंत का क्या? उसका अंत कैसे होगा और मुझे मेरा बच्चा कैसे मिलेगा? आदित्य पुजारी जी तन्वी के सवाल का कोई जवाब नहीं देते। तन्वी रोते हुए कहती है, बोली आदित्य पुजारी जी, छाया का अंत कैसे होगा? आपकी चुप्पी मेरी जान ले लेगी। आदित्य पुजारी उदासी के साथ कहते हैं, तन्वी बात यह है कि आदित्य पुजारी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही उनकी नजर सामने टेबल पर रखे भक्षक पात्र पर पड़ती है। आदित्य पुजारी अपनी जगह से उठते हैं और उस भक्षक पात्र को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, ये भक्षक पात्र कहां से मिला आपको? रुद्र आदित्य पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जब तन्वी ने छाया के साथ अपनी रूह का सौदा किया था उस वक्त छाया ने उसे ये भक्षक पात्र दिया था, इसके अंदर हर अमावस्या को नाभि डालने के लिए। आदित्य पुजारी खुश होते हुए कहते हैं, छाया ने भक्षक पात्र तन्वी को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने अपने हाथों से अपने अंत का सामान तन्वी को दे दिया, यही वो चीज है जिससे छाया का अंत होगा। इसी भक्षक पात्र को तो ढूंढते ढूंढते हमारे गुरु पंडित सुशलाचार्य की जान चली गई थी। समीर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? हाँ समीर, जब हमारे गुरु यहाँ लौटे थे तो वो मेघनाथ मंदिर नहीं आए थे बल्कि सीधे छाया के घर में गए थे इसी भक्षक पात्र को ढूंढने। उन्हें लगा कि छाया ने ये भक्षक पात्र अपने सूटकेस में रखा होगा, पर ये वहाँ पर भी नहीं था। उसी वक्त छाया ने हमारे गुरु पंडित सुशलाचार्य को मार दिया, पर अब छाया को मारने की बारी हमारी है। तन्वी पूछती है, इस भक्षक पात्र के जरिए हम छाया का अंत कैसे करेंगे पुजारी जी? आदित्य पुजारी तन्वी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, छाया को इंसानों की नाभियों से शक्तियां प्राप्त होती थीं, उनकी नाभि निकालती थी और उनकी नाभि को अपनी नाभि की जगह लगाती थी। कहते हैं इंसान की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। अभी छाया के पास शक्तियां नहीं है, वह मामूली इंसान है। अगर हम छाया की नाभि निकालकर उसकी नाभि को इस भक्षक पात्र में डालकर इस भक्षक पात्र को आग के हवाले कर देंगे तो छाया का अंत हो जाएगा, पर यह सब कार्य हमें छाया को तन्वी के बच्चे की बलि देने से पहले करना पड़ेगा। वरना यदि एक बार भी छाया को उसकी शक्तियां मिल गईं, तो हम छाया का अंत कभी नहीं कर पाएंगे। माखनलाल कहता है, पर पुजारी जी हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि छाया और निशांत ने तन्वी के बच्चे को छुपाया कहाँ है। हमने उन्हें हर जगह गांव में ढूंढा पर वो दोनों हमें कहीं नहीं मिले। अर्जुन आदित्य पुजारी से कहता है, आपके पास तो दिव्य दृष्टि है ना पुजारी जी, क्या आप अपनी दिव्य दृष्टि से पता नहीं लगा सकते कि छाया और निशांत कहां पर है अभी? आदित्य पुजारी अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, अर्जुन जब छाया और निशांत ने तन्वी के बच्चे की चोरी की थी उसी वक्त हमने अपनी दिव्य दृष्टि से पता करने की कोशिश की थी कि वो कहां पर है, पर वो दोनों ऐसी जगह पर छुपकर बैठे हैं जहां तक हमारी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुंच पा रही है। वैसी माया भी जगह पर है जहां पर दैवी शक्तियां काम नहीं करती हैं। तन्वी रोते हुए कहती है, पुजारी जी कुछ तो कीजिए, 12 बजने में बस 3 घंटे बचे हैं और उसके बाद अमावस्या की रात चालू हो जाएगी, फिर छाया मेरे बच्चे को। इतना बोलकर तन्वी आहें भर भर कर रोने लग जाती है। बात करते करते कब सुबह से रात हो गई थी पता ही नहीं चला था। सभी लोग सोच में पड़ गए थे कि निशांत और छाया कहां पर होंगे। देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ी में 11 घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है। निशांत पुजारी समीर और अनन्या से कहते हैं, आप दोनों को पीपल के पेड़ को नष्ट करने के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ को नष्ट करना आसान नहीं है, वो भी माया भी है, हो सकता है कि उसमें भी कोई जादुई शक्तियां हो। अनन्या हिचकिचाते हुए कहती है, पर पुजारी जी निशांत और छाया का तो अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं चला, कहीं ऐसा ना हो समीर और मैं पीपल के पेड़ को नष्ट तो कर दें। पर
अनन्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही आदित्य पुजारी उसे बीच में टोकते हुए कहते हैं, ऐसा मत सोचो अनन्या, यदि महादेव भगवान ने हमें यहाँ तक का मार्ग दिखाया है तो आगे का मार्ग भी वो अवश्य दिखाएंगे। जय महाकाल। जय महाकाल पुजारी जी। इतना कहकर अनन्या अपनी जगह से उठ जाती है। अनन्या और समीर एक कुप्पी में पेट्रोल भर लेते हैं और कुल्हाड़ी भी साथ में रख लेते हैं। समीर और अनन्या पीपल के पेड़ को नष्ट करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अजय बैठा ही हुआ था कि तभी उसकी नजर उसकी जेब पर पड़ती है और उसको याद आता है कि प्रोफेसर प्रताप नारायण ने उसे 2 सोने के कंगन दिए थे तन्वी को देने के लिए और वही कंगन तो उसे वो देने आया था। अजय वो कंगन अपनी जेब में से निकालता है और तन्वी को देते हुए कहता है, तन्वी ये लो, तुम ये कंगन पहन लो। तन्वी हैरानी के साथ कहती है, कंगन पर क्यों? तुम मुझे ये कंगन क्यों दे रहे हो अजय? तन्वी पहले तुम पहनो तो सही ये कंगन, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ ये। अजय के कहने पर तन्वी वो कंगन पहन लेती है और कहती है, अब बताओ ये कंगन क्यों दिए तुमने मुझे? अजय कहता है, वो मुझे प्रोफेसर